अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आप देखे मैं चैनल। तो भाई आज तबाही वाला मैच था, यकीन करें इतना लाजवाब लग रहा था। लेकिन और भाई 220 रन 219 रन का टारगेट हो जहां पे, और वो टारगेट चेस हो जाए तो खुद अंदाजा लगा ले T20 कहाँ जा रही है। अच्छा ये महा मुकाबला था, यकीन कर मैं ये सोच रहा था कि आज कुछ बड़ा ही होने वाला है CSK और मुंबई इंडियंस के बीच में ये जो मुकाबला है, क्योंकि अक्सर फाइनल इन्हीं दोनों टीमों के बीच में ही होता है। सही बात है, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि ला भाई ये दोनों कुछ होगा, जीती हुई मैच। लेकिन जब स्टार्ट हुई है ना, तो 220 रन का जब ये टारगेट आया है, तो मुझे लगा कि ला भाई अब मुंबई के लिए नामुमकिन बहुत मुश्किल है कि मुंबई जीत सके, क्योंकि आज वो जो अंपति राइडू ने जो बैटिंग कर दी है ना, चेन्नई के साथ 27 बॉलों पे अगले बंदे ने जो है ना 72 प्लस कर दिया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लास्ट ओवर चल रहे थे। बड़ा बंदे ने मारा यार उस मैच में, आज बुमराह को भी नहीं छोड़ा उसने, बाकी लास्ट ओवर बहुत बुरा गया है भाई। अच्छी खासी उन्होंने जैसे कहते हैं गत बनाई, ठीक है। मेरे ख्याल से लास्ट ओवर बहुत बुरा खेला है वो, ऊपर खेला थे अभी लास्ट मैच में एनगिदी थे बस। वो भी ऐसी है, फिर होता है तो प्रेशर होता है ना, यार मारना बहुत मुश्किल काम है यार, चुप कर जा। अच्छा 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। सो गाइस उसके बाद जब बारी आई जी मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई वाले जनाब जी शुरू में तो लड़खड़ा गए, ठीक है। तीन विकेट्स गिरे, मैंने कहा ये तो हार गए भाई ने भी। मुझे लग रहा था 10 ओवर में 80-85-82 स्कोर है, मुश्किल लग रहा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि पोलार्ड ऐसी बैटिंग करते हैं। पोलार्ड ने तो भाई धमाके कर दिया, 8 छक्के मारे उस बंदे ने, ठीक है। और जडेजा के साथ वो जो पार्टनरशिप लगी है ना, उस पार्टनरशिप ने मैच के अंदर जो है ना रुख बदला। सॉरी जडेजा के साथ नहीं, कर्नल पांड्या के साथ, कर्नल पांड्या के साथ जो पार्टनरशिप लगी है ना, उस पार्टनरशिप ने मैच का रुख बदला है। और कर्नल उसके अलावा पांड्या के भी 2 छक्के मिला दे पॉइंट पे, जो वो जो छोटा भाई आउट हुआ है, बड़ा भाई छोटा है, उन्हें आगे 2 छक्के मार के मैच का जो है ना और नजदीक ले आया हार्दिक पांड्या। लो जी उसके बाद फिर बाकी रही सही कसर जो है वो लार्ड ने अकेले खड़े होकर पूरी कर दी, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि वो आज मुझे लग रहा था, हालांकि 2 ओवरों में 31 स्कोर बहुत ज्यादा स्कोर होता है यार, लेकिन वो भी चेस हो गया यार, कमाल है। मैं तो पहले कह देता हार गए। तो मैं कहूंगा कि ये आज का जो ये मैच है, ये जाता है जी हार्दिक सॉरी कारन पोलार्ड के ऊपर, जो उन्होंने 33 गेंदों पर यकीनन क्या हो गए वो, और बड़ा लाजवाब किस्म का मैच हुआ। और ये IPL के अंदर मुंबई इंडियंस ने जो है ना वो जो उनका हमेशा की तरह होता है कि स्लो स्टार्ट, पहला मैच हारने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब आती है टीम, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से खड़ी होना शुरू हो गई है। चौथे पे तो पहले ही थे वो, लेकिन अब मजीद बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। सही बात है, अब देखते हैं। और दूसरी तरफ CSK हारने के बावजूद पहले नंबर पे आए, मुझे यार बड़ा दुख हो रहा था यार ऐसे, मुझे यकीन था कि जो है ना MS धोनी मैच निकलवा के ले जाएंगे, लेकिन उनके बॉलर्स ने उनका साथ नहीं दिया। सो गाइस ये था वीडियो, आपको हमारे कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड कीप वॉच पाकिस्तान रिएक्ट्स एंड IPL।